वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत और चीन के बीच में संबंध पिछले कुछ सालों में कैसे रहे हैं ये सब जानते हैं। तनाव लगातार गहराता रहा, मौजूदा समय में भी चीन और भारत के बीच में तनाव गहरा रहा है और यही आगे भी हो सकता है अगर चीन ने अपनी हरकत में कुछ बदलाव नहीं किया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं। दरअसल एक आयोजन के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच में संबंधों का जिक्र करते हुए कई बातों का जिक्र किया। खासतौर पर आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच के संबंध कैसे रहेंगे इसे लेकर सभी जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या बदल सकती है। तो इसे लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि चीन जिस तरीके से सीमा पर बर्ताव करेगा, चीन के साथ बर्ताव वैसा ही किया जाएगा, संबंध भी वैसे ही होंगे। Quad being a notable example. Much of the future of Asia depends on how relations between India and China develop in the foreseeable future. For ties to return to a positive trajectory and remain sustainable, they must be based on the three mutuals: mutual sensitivity, mutual respect. विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि संबंध पारस्परिक संवेदनशीलता, सम्मान और हित पर आधारित होने चाहिए। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई बिंदुओं पर दोनों देशों में जारी सैन्य गतिरोध के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर का यह बयान सामने आया है। बता दें, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत के मौके पर एक समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक रास्ते पर लौटने और इसे टिकाऊ बनाए रखने के लिए संबंधों को तीन चीजों पर आधारित होना चाहिए: पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मैं केवल ये दोहरा सकता हूं कि सीमा की स्थिति आगे संबंधों को तय करेगी। भारतीय और चीनी सैनिकों का पूर्वी लद्दाख में दो साल से ज्यादा समय से टकराव वाले कई स्थानों पर गतिरोध बना है। उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत के परिणाम के बाद भी दोनों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता ही नजर आया है। दोनों पक्षों को टकराव वाले बाकी बिंदुओं पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि कुछ हद तक दोनों के बीच में सहमति भी बनी। उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत का अंतिम दौर पिछले महीने हुआ था, लेकिन गतिरोध दूर करने में कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। मौजूदा समय में भी कई बिंदुओं पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा के पास चीन द्वारा बड़े स्तर पर हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच में तनाव अभी और बढ़ सकता है। और इसे सीधे सीधे डॉक्टर अजय शंकर ने एशिया के राजनीतिक माहौल की तरफ, बदलते माहौल की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच में तनाव गहरा आया और सीमा पर चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो इसका सीधा असर पूरे एशिया पर पड़ सकता है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।